हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल इट डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पनीर टिक्का सैंडविच। पनीर सैंडविच तो नॉर्मली हम बनाते रहते हैं, पर आज कुछ नया सा फ्लेवर देने के साथ साथ हम बढ़िया सा सैंडविच बनाएंगे, पनीर टिक्का सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और झटपट से सैंडविच बना के रेडी करते हैं। और यहाँ पे आज हम जो पनीर टिक्का सैंडविच बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, थोड़ा सा काफ़ी हेल्दी सैंडविच ये होता है, ब्राउन ब्रेड का ही यूज़ करें। ये हम सबसे पहले दही डालेंगे और दही के साथ में ही ये इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स इसमें काटी हुई हैं। आप चाहो तो जिस तरह से पनीर टिक्का बनाते हैं उस तरह से भी काट सकते हैं, पर क्योंकि मैं सैंडविच यहाँ पे पनीर टिक्का सैंडविच बना रही हूँ तो आप देख रहे होंगे कितने पतले पतले से करके इस तरह से मैंने स्लाइस में काटा हुआ है। ये प्याज टमाटर, ये देखिए सभी चीज़ों को इस तरह से मैंने चॉप किया हुआ है। ये देखिए शिमला मिर्च भी इस तरह से मैंने पतले पतले शेप में काट के रखी हुई है। इन सभी को इसमें हम एक साथ डाल देंगे और अब पहले इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा तो इसमें एक पिंच बिल्कुल हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक पिंच बिल्कुल गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और साथ में ये कसूरी मेथी हमने ली हुई है, इसको भी हाथ में थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डाल देंगे और इन सभी चीजों को पहले इस तरह से मिक्स करेंगे एक बार। और मिक्स करने के बाद में ये पनीर हमने लिया हुआ है, पनीर आप देख रहे होंगे, आप अपने हिसाब से बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, पर मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं क्योंकि सैंडविच बनाएंगे तो इस तरह के पीसेस इसमें अच्छे लगेंगे। तो ये पनीर हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक तरह से काफी हेल्दी सैंडविच बन जाता है क्योंकि ज्यादा घी में इसमें नहीं लगता है ना, बटर है, घी आप जो भी लगाना चाहें, पर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम इसमें। और बस इन सभी मसालों को पनीर के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये स्टेप करने के बाद में आप कोई भी कढ़ाई पैन कुछ भी ले सकते हैं, उसमें बस एक टेबल स्पून हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो। अगर ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और बस अब हम थोड़ा सा इसको कढ़ाई में फ्राई कर देंगे। और बिल्कुल देखिए एक टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला हुआ है इसमें और उसके बाद में ये जो भी अभी हमने पनीर और सब्जियों को मिक्स किया हुआ था ये सारा इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में अब नमक हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अभी तक हमने नमक नहीं इसमें ऐड किया था तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक रखेंगे और बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद में बस हाई फ्लेम पे इसको सिर्फ एक मिनट के लिए थोड़ा सा हम इस तरह से सॉटे करेंगे और उसके बाद में पनीर टिक्का सैंडविच के लिए ये फिलिंग उसका रेडी हो जाएगा। और एक मिनट बस हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है और इस तरह से अब इसे हम प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये ब्राउन ब्रेड के साथ हम और दो तरह से मैं अलग अलग टेस्ट सॉस स्प्रेड करूंगी और एक में आप हरी चटनी स्प्रेड कर सकते हैं, तो एक में थोड़ा सा सॉस लगा रही हूँ, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आ जाता है जब सैंडविच हम खाते हैं। बिल्कुल जरा सा लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं। और एक में थोड़ी सी हरी चटनी लगा देंगे थोड़ी सी और लगा देती हूँ, बस इतना लगा के अभी जो हमने फिलिंग रेडी की हुई थी वो हम इस पे लगाएंगे। okay.
पनीर और वेजिटेबल्स को लेते हुए हम फिलिंग इसमें करेंगे। देखिए इस तरह से एक सैंडविच में हमने लगा दी, सेम दूसरे में भी हम स्प्रेड कर देते हैं। बहुत ही हेल्दी सा ये सैंडविच बनता है, काफी टेस्टी भी लगता है खाने में। नॉर्मली पनीर सैंडविच तो अलग एक फ्लेवर देता है, पर इस तरह से जो ये टिक्का सैंडविच हम बना देते हैं, पनीर टिक्का सैंडविच, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस इस तरह से फिलिंग लगाने के बाद में थोड़ा सा मैं इसमें और लगा देती हूँ। इस तरह से लगाने के बाद में दूसरा स्लाइस हम ब्रेड पे इस तरह से कवर करेंगे ऊपर से, और बस हल्का सा बटर लगा के दोनों साइड से हम इसे सेकेंगे सैंडविच को। और आप इसको तवे में या पैन में किसी में भी सेक सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से बटर इस पे लगाएंगे, दोनों सैंडविच पे थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा देंगे, और सेम ऐसे ही दूसरे सैंडविच पे भी हम लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। और सबसे पहले तवे में जब हम इसको सेकने के लिए रखेंगे तो जिस तरफ से बटर हमने लगाया हुआ है तो उसको उसी साइड से हम पहले रखेंगे, और इस साइड से जिधर से बटर हमने लगाया है उसी साइड से हम इसे रखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बटर दूसरे साइड पे भी हम हल्का सा लगाएंगे, सेम इधर भी लगा देते हैं। बस बढ़िया सा कलर आने पर सैंडविच को हम दोनों साइड से बढ़िया सा बनाएंगे। अरे देखिए दूसरी साइड से कितना बढ़िया कलर आ गया है। बस सेम दूसरी साइड पे भी कलर हमें लाना है, और बस बढ़िया से सैंडविच बन के ही रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हम चेक कर लेंगे बीच में। अरे देखिए दोनों साइड से सैंडविच बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गए हैं। देखिए मैं ये भी आपको काफी गर्म है ये दिखा देती हूँ। देखिए दोनों साइड से बहुत बढ़िया कलर आ गया है, बस इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने सैंडविच को कट कर लिया है अभी से, कितना बढ़िया एकदम फिलिंग लग रही है देखने में। तो दूसरे सैंडविच को भी हम अच्छे से कट कर लेते हैं। देखिए दूसरा सैंडविच भी हमने कट कर लिया, बस इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही हेल्दी सा पनीर टिक्का सैंडविच बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट में झटपट से बन के रेडी भी हो जाता है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है इसको बनाने में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज फ्रेंड्स इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।